फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि सभी स्टूडेंट्स को वेट था कि कब उनका आंसर शीट है वो रिलीज किया जाएगा, ऑफिशियल आंसर शीट, और साथ ही साथ कब उनका रिजल्ट है वो जारी होगा। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो एनटीए के द्वारा ऑफिशियल नोटिस है वो जारी किया गया, उस नोटिस में डिस्कस किया गया कि कब आपका आंसर की के साथ साथ उसका रिजल्ट भी कब जारी होगा। ठीक है, आंसर की रिलीज कर दिया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स को चैलेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चन से यदि आपको लगता है कि ये एनटीए ने आपने गलत आंसर दिया तो आप उसे चैलेंज भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन यदि चैलेंज करोगे तो आपको 200 रुपये चार्ज होगा, ठीक है, जो कि आपको वापस नहीं मिलेगा। तो चलिए एक बार उस नोटिस पर फोकस देते हैं, क्या उस नोटिस में एनटीए के द्वारा ऑफिशियल साइट पे दिया गया है। ये वो नोटिस है जो आपकी ऑफिशियल साइट पे जारी किया गया है, जिसकी डेट आप यहाँ पे देख सकते हो। कल रात ये नोटिस है आपकी ऑफिशियल साइट पे जारी हुआ था। यहाँ पे बताया गया है कि जो है 17 जुलाई 2022 2 से 5 का जो एग्जाम्स हुआ था, 497 सिटीज पे यहाँ पे सब दे रखा है उनका, अभी जो है सभी स्टूडेंट्स का जो आंसर की, ठीक है, यहाँ पे आंसर की जो यदि आप चैलेंज करना चाहते हो, कोई भी क्वेश्चन यदि आपको लगता है कि अपना अपना जो भी ओमआर है वो आप स्कैन, आपको ओमआर भी डाउनलोड हो जाएगा, उसके साथ चैलेंजेस जो आपका क्वेश्चन है जो आंसर की है उसके साथ आपको ओमआर अपना मिलेगा, तो उससे आप मैच करके यदि आपको कोई लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका सही है लेकिन एनटीए के द्वारा गलत आंसर दिया गया है, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हो, जिसका चार्ज आपको 200 रुपये रहेगा, ठीक है, जो कि आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद में यदि आप रिकॉर्ड लेट रिस्पॉन्स चैलेंज करना चाहते हो तो उसका भी चार्ज 200 रुपये रहेगा। साथ ही साथ यदि आपका उसका जो भी आप चैलेंज करोगे उनका जो प्रोसेसिंग है वो 30 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा, और आपका रिजल्ट है वो 7 सितंबर 2022 को ऑफिशियल साइट पे जारी कर दिया जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स को वेट था कि उनका रिजल्ट कब जारी होगा, तो उनका रिजल्ट है वो 7 सितंबर को आपको रिजल्ट जारी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी स्टूडेंट, यदि किसी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एक क्वेश्चन चैलेंज किया और यदि आपका आपका वही सेम प्रॉब्लम है और आपने चैलेंज नहीं किया है, तो भी आपको उसका जो है नंबर है वो मिलेगा। यदि ऑल इंडिया में कोई भी क्वेश्चन है, यदि कोई भी स्टूडेंट चैलेंज करता है और आपको वो गलती एनटी की निकलती है, तो वो आप सभी को नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि मैं खुद ही चैलेंज करूँ तो ही मुझे जो है अपना जो स्कोर मिलेगा, बल्कि सभी स्टूडेंट्स को यदि वो क्वेश्चन उस तरह से दिया गया है और एनटी ने आंसर गलत दिया है, तो वो सभी स्टूडेंट्स ने यदि वो किसी ने अटेंड किया है तो वो सबको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। आपका स्कैनर इमेज ऑफ ओमआर शीट का आपको डिस्प्ले हो चुका है, आपकी ईमेल एड्रेस पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। साथ ही साथ यदि किसी को चैलेंज करना हो तो वो 200 रुपये पे करेगा, और साथ ही साथ कोई भी ऑफिशियल आपको अपडेट जानना हो तो आपको इस साइट पे लॉगिन रहना है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना है। यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप डिस्कस कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।